के चरणों में सुनकर से हाजिरी लगाने के लिए उनके परिवार के सदस्य और दूर दराज से आए हुए रिश्तेदार, बड़ा ही अच्छा सुनहरा अवसर आज इस बालक गुरु गोरखनाथ जी मेरी जिन भक्तों के कानों तक दुनिया को आज पहुंच रही है, उन भक्तों से जल्दी मेरी प्रार्थना कि कुछ ही पल के बाद वही माता रानी की ज्योति का प्रकाश होने के लिए चलता है। आइए सब जल्दी से जल्दी आए और महामाई की ज्योति में प्रचंड में शामिल हो। आगे आ जाओ, सब लोग ऐसे जैसे परिवार वाले हाथ लगा देंगे। मोचा जी कहाँ है? ध्यान रखना इस ज्योति में से, अपना आप इस ज्योति में से उस ज्योति में लगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे इस स्थान पर। बोल सच्चे दरबार की जय। महारानी को मनाना है, बुलाना है किस तरह से। या देवी सर्वभूतेषु, कैसे भी चुनाएंगे भी कोई जागो मां अम्बे रानी, और ये तेरे बच्चे तुम्हें जगाते हैं। अब जागो मां अम्बे रानी, तेरे बच्चे तुम्हें जगाते हैं। अभी जागो मां दुर्गे रानी, तेरे बच्चे तुम्हें जगाते हैं। अब जागो मां दुर्गे रानी, तेरे बच्चे बच्चे घबराए जाते हैं, कोई बात नहीं। ये तिलक लगाओ नारियल पर, ये वाला तिलक लगाओ नारियल पर, इस पर यहाँ ऐसे तिलक लगाओ, दोनों ही तिलक लगाओ। अभी जो अभी मतलब अभी चलाते रखो, जो माता एक बार ऊपर करके, सॉरी बस इधर उधर ही। अब रोक लगाओ, खाली हाथ मत जाओ, कहीं कुछ नहीं है रानी के वहाँ, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, कोई नहीं जा रहे कहीं भी। क्या कर रहे हो? बीच हो जाओ, क्या बात है? बड़े सच्चे दरबार की,
पांच कदम पीछे हो जाओ आप लोग, ऐसे नहीं अपने जहाँ खड़े उससे पांच पांच पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा से थोड़ा गैप दो। बारी बारी हम सबको बुला लेंगे टीका करने के लिए, प्लीज अभी आप फोटो पीछे हो जाओ बेटा, थोड़ा अभी थोड़ा आप लोग ना कम से कम ये जो ये साथ में बैठे यहाँ के पीछे बैठे, ये तो कुर्सी वाले बैठे हुए हैं, थोड़े से भैया पीछे में जाएगा कुर्सी को पीछे करो थोड़ा पीछे, भैया हमारा घर भोजन पछा रहे हैं खुद के ज्यादा ना पीछे पीछे हो जाते थोड़ी सी। पीछे हो जाओ, पीछे हो, ये चेयर से पीछे हो जाओ। आज जिस प्रांगण में महामाई ने अपना डेरा, सभी देवी देवताओं को जय हो, बाबा गुरु गोरखनाथ जी की जय। तो आइए चलते हैं माँ को मनाने के लिए किस तरह से। शुद्धम सोग विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादुकं
Oh,
एक हाथ में आया यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से ऐसे करते हुआ जाएगा उन बच्चों पर, वो पहनाएंगे फिर लास्ट में, इधर खड़े हो जाओ, एक एक सामान सबके हाथों में जाएगा, आपने ले लिया आप आगे बढ़ा देंगे इनको, सबके हाथों में लगा करके आप उधर देख देंगे वहां पर। हरी हरी I'm not
जिन जिन्होंने माता रानी का श्रृंगार किया है वो सभी लोग माँ के दरबार पाया। और सच्चे दरबार की साजी झुका ला भैया आज बोल जियाला ने रोज रोज ही और अपने अपने स्थान पे बैठ जा पीछे होकर के थोड़ा सा बाके बिहारी लाल जय जय हो कह तो सच्चे दरबार की जय सच्चे दरबार की जय। और किस तरह से मनाने के लिए चलते हैं मैया रानी को किस तरह से और ये तो माँ के नाम की माला जो आज जो सारी रात जो हमने आज जपना है वो क्या है किस तरह से जपना है बहुत बढ़िया। और ये तो माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला माला जपेगा कोई दिल वाला
वेरी गुड। और किस तरह से चलते हैं उस बच्चे के मुबारकबाद देने के लिए, किस तरह से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के बीच में भैया जी। कह दो सच्चे दरबार की। और जन्मदिन आज तेरे का मुबारक हो, मुबारक हो जन्मदिन आज तेरे का मुबारक हो, मुबारक हो जन्मदिन आज तेरे का मुबारक हो, मुबारक हो जन्मदिन आज तेरे दादी कौन कौन सी है लाला की, हाथ ऊपर उठाओ। दादी कौन कौन है और सबरी दादी यहाँ, और दादी कोई सी भी जो नहीं है कि जो हुआ जब नाच दादी का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक जब ही होगा जब दादी को
जब ठुमका लगे को मैया के रानी के आ गए। दादी सवाल बुला लो, देखो कौन कौन सी दादी है, कौन कौन सी आम, कौन कौन से अपने बच्चा, देखो पोते बारी तो सब कह देगी जो मेरे पूछो सही बात है नहीं जी। अरे हमने तो कुछ भी नहीं खा रखा, जब भी हमने से देख लो। अरे हुआ जब नाच दादी लाला की ताई भी है कोई, कौन सी ताई है अगर यह बच्चे कबीर की ताई। हाँ खड़ी हो जाओ, पैसे सबसे ज्यादा मुझे पता हो आप ही हो। दादी तो दादी दादी तो रहेगी पीछे, पर ताई आगे आ जाओ जल्दी से। कौन कौन सी ताई, ताई खड़ी हो जाओ भैया। देखो ऐसी बात है, पैसा की तो कोई बात नहीं है, मैं अपना घर का ही हूँ, अभी तक पैसे की तो कोई बात ही नहीं करी। जैसे शहरों में प्रोग्राम होता है, अरदास का कोई प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ कभी भी वो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपने परिवार में अपने घर में ही प्रोग्राम कर रहा हूँ। यहीं पर मैं अरदास में ले जाऊंगा तो फिर क्या है। आ जाओ ताई जी, कौन कौन है इस बच्चे की, जिसको खुशी है इस बच्चे के उसमें जन्मदिन में खुश में, कौन कौन है। दो ताई आ जाओ जल्दी से। हाँ कोई भी अपना पाएगी, मुझे तो नहीं पता कौन कौन सी ताई। वो सुना लाला की ताऊ ने तो वो चले चले लाला के फूफा ने तो
हमारे घर जागरण में तुम्हें हमारा हमारे घर 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 हमार
करी मैया ने और मुँह पे मेहर करी मैया ने और मेरे जन्म लियो छैया ने मैया ही साल में आऊंगी तरोली वाल थाल में ओ मैं तो आऊंगी तरोली वाल थाल में ओ मैं मेरे परी भैया ने मेरे जन्म लियो भैया ने आई साल में Yeah.
इससे बेटर क्या कम से कम नाच कूद चलेगा, नाच कूद तो रहेगा, कम से कम पाम तो चलते रहेंगे। हाँ सारा जग है एक बनजारा, सारा जग है एक बनजारा, चुनरिया
लो अपने पास में हो उसी को दे दो। We'll be right back.
Thank you.
विनोद भैया जी है मेरे सामने। बताओ अपने घर में नहीं, जहाँ पे जागरण होते हैं। हाँ जहाँ पे जागरण अपने घर में दिवाली में तो अपना जो जलाओगे नारियल को वैसे के वैसे रख लो, माँ अपना आप ही स्वीकार करेगी। परंतु जागरण में जाते हैं और जागरण में ये खास कर याद रखना, अपना नारियल कभी भी चला जाए भूल में, पर बाकी अपना ये मत कहो कि मेरा नारियल दे दो किसी का भी, कोई भी जाए ठीक है, कह दो सच्चे दरबार की एक बाल की चाहती लग जाए एक नारियल में,
ये समझो उसका नारियल चढ़ गया। और ऐसे नहीं हजारों नारियल ऐसे लाते हैं कह दो सच्चे दरबार की, ऐसे नारियल की भी दीप चढ़ाने की है, ठीक है। और कब चढ़ेगा? जब तारा रानी में, जब कब? जब राजा हरिश्चंद अपने बेटे का शीश को काट करके चढ़ाएगा, शीश को काट करके चढ़ा दिया। अभी भी प्रसाद को देखने के लिए माँ अभी तक भी नहीं दर्शन दिया है, कहाँ गए मौसा जी? और उसके बाद में फिर कहने लगी, रानी बस छोटी सी बात नहीं, अभी एक और त्याग करना पड़ेगा क्या? इस परिवार में सबसे प्यारी कौन सी ऐसी वस्तु है? बोले नीला घोड़ा मेरे को बहुत पसंद है, तेरे से भी प्यारा है। अच्छा मेरे से प्यारा? हाँ, मैं उसमें बाजार जाता हूँ, मैं वहाँ काम करके लाता हूँ, वहाँ कर पुलाऊ जा, ठीक है। तो अपने नीले घोड़े का भी आप शीश काश करके महारानी के चरणों में अर्पण करोगे, तभी आपको प्रसाद के बारे में पता चलेगा। एक मिनट में ही घोड़े का भी शीश काश करके, एक घंटा हो गया, अभी तक माँ नहीं आई, कोई भी नहीं है। रानी से लड़ाई करने लगे कि कहाँ तेरी माँ? ऐसे नहीं बोलना चाहिए कहाँ तेरी माँ, क्योंकि ये सबकी माँ है, सबकी माँ है ना, कहाँ तेरी माँ? अब तक कैसे नहीं आई? क्या हुआ? ये चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? बता बता क्या हो रहा है? मेरा बेटा भी गया, मेरा घोड़ा भी गया। रानी कहने लगी, मुझे नहीं पता तुम्हारे घोड़ा कहाँ है रानी, और वो कहाँ है? नहीं, तूने तो कहा था काट के शीश को। नहीं 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 नहीं। उसके बाद में माता रानी ने कहा, जल्दी से आ जाओ मेरे राजन, जल्दी से ना, पीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जल्दी से आ जाओ, इनको दर्शन दे दो। तो माँ सिंह पे सवार होकर के माँ दर्शन देने के लिए आती है। उसके बाद में दर्शन तो हो गए, परंतु राजन कहने लगे, तेरी कृपा से मुझे इस देवी माँ के दर्शन हो गए, और ये पंचमेवा का भी पता चल गया कि तेरी शक्ति से पंचमेवा का रूप बन गया ना। अब मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, जहां पर रात में जागरण होगा और जहां तेरा नाम अगर ना लिया जाएगा, वो जागरण भी पूरा नहीं होगा, कह दो सच्चे दरबार की। और मैं तेरे हर आचरण से प्रसन्न हूं, अगर तू नहीं होती तो इस देवी माँ के दर्शन तो मुझे होते ही नहीं, कह दो सच्चे दरबार की। अर्थात तू भी मेरे लिए देवी है, और घर की लक्ष्मी तो सभी देवी होती है, इसलिए। कहने लगे, मौसा जी, मौसी जी, एक बार हाथ जोड़ के कह दे, जो मैंने जो कही ना, जो तेरी माँ, उसके लिए जो कह दो, कोई बात ना, क्षमा करो, कह दो कोई बात ना, आ जाओ, कह दो सच्चे दरबार की। देखो जो नियम है वो नियम है। रानी से कहने लगे, मैंने जो तेरे से अपशब्द बोल दिए ना, मैं उनकी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि तेरे कृपा से तो मेरे को आज देवी के दर्शन हो गए, अगर तू नहीं होती तो मेरे को दर्शन नहीं होते, इसलिए मैं तेरे हर आचरण से प्रसन्न हूँ। जगत में तेरा नाम होगा, मेरा भी होगा, वो भी अपनी बहन रुको को बुला। रुको को बुला लिया, कहने लगे कि जो हाँ मेरा पुत्र कहाँ है रोहतास, उसको जिंदा करा दे। आवाज देख करके आते पुत्र रोहतास रोहित, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। हाथ में गरम हलवा का दोना लेकर के खाते आ रहा था, कहाँ? मैं वहां प्रसाद ले रहा था गेट पे, तुमने मुझे क्यों बुला लिया? तू वहां गेट पे था? हाँ। भाग के जाते नीले घोड़े के, रानी से पूछ करके, नीला घोड़ा कहाँ है? वहीं होगा, चने खा रहा होगा, देख लो। देखे तो वो अपनी लड़ामनी में चने खा रहा था। हलवा चना का प्रसाद क्यों बनता है? हलवा बच्चे को प्यारे होते हैं, चने किसको प्यारा होता है? जब उसकी शीश को काट करके महारानी के चरणों में अर्पण कर दिया, उसको जिंदा कराने के लिए माता रानी की ज्योति पर वो हलवा चने का भोग लगाते हैं, तब माँ उनको शेरा वाली, उसको माँ जिंदा करती है, और जा अपने घुड़सवार में देख ले, तेरा घोड़ा जिंदा होगा, कह दो सच्चे दरबार की। हलवा चना का प्रसाद के बारे में बताया, आज तक किसी ने बताया कि हलवा चना का प्रसाद क्यों बनाया जाता है? बताओ, किसी ने बताया आपको हलवा चना का प्रसाद क्यों भोग लगता है? अच्छा, ही हो गया हलवा चना का प्रसाद हो गया। फिर उसके बाद में रुको को बुला के पांच जीव यहाँ इस मृत्यु लोक में अपना आयु को भोग करके बैकुंठ धाम को चले जाते, कह दो सच्चे दरबार की जय। यहीं पर तारा रानी विश्राम करती है, और अगर कहीं गलती हुई हो सबसे मैं क्षमा मांगूंगा, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, और इन देवी देवताओं से भी क्षमा मांगूंगा, और कोई भी गलती हुई हो उसे क्षमा करेंगे मेरे से। अब मैं एक छोटी सी प्रश्न और बताता हूँ, लौंग के जोड़े क्यों, लौंग के जोड़े क्या चीज है, कोई बताए जल्दी से, लौंग के जोड़े क्या है? सेब क्यों ना चढ़ाया जाता जोत पर, ये नारियल भी क्यों ना चढ़ाया जाता जोत पर, लौंग के जोड़े क्या चीज है मुझे बताइए, सबसे पहले जल्दी बताओ, किसी को पता है? आज मैं वो चीज बता के जा रहा हूँ। आपने रामायण सुनी है? रामायण में हनुमान जी आए थे, जागरण में आए थे हनुमान जी के हाथ में क्या था? गदा और लौंग। देखा
लौंग देखी आपने और गदा देखा है? एक गदा की वजह से ना लंका को दहन कर दिया था हनुमान जी ने। कितनी बड़ी शक्ति थी गदा के अंदर में। और अगर डबल तुम लौंग का जोड़ा जब चढ़ाते तो माता रानी की जो ये ज्योति है ना, इसमें अटूट शक्ति हो जाती है। अकबर ने इसको मनाया था, अकबर ने कहा था कि पानी डाल दो भवन में, परंतु सात ताइल को फाड़ती हुई ज्योति प्रकाश हो गई अगर शक्ति नहीं होती तो। इसलिए जितने भी भक्त लोग हैं जब भी पूजा करेंगे माता रानी की शक्ति को करने के लिए दुगनी दो लौंग के जोड़े फूल वाले चढ़ाएंगे, फूल वाली। अशुभ लौंग नहीं चढ़ाना किसी को भी टूटी हुई, ठीक है, चाहे घर में हो या नहीं हो, कह दो सच्चे दरबार की। ये लौंग के जोड़े किस तरह से इस तरह से चढ़ाए जाते हैं ज्योत पर, क्यों? माता रानी की जो ज्योति की जो शक्ति है वो दुगनी। आप दो चढ़ाओगे दुगनी हो जाएगी, आप दो चढ़ाएंगे चौगनी हो जाएगी, आप दो चढ़ाएंगे आठ गुनी हो जाएगी, आप दो चढ़ाएंगे सोलह गुनी हो जाएगी। ऐसे होती 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 ये दुगनी हो जाती है। इसकी ज्योति से प्रकाश मिलता है और घर में जितने भी होते हैं उनको एक नूर मिलता है। सुना है इसके दर पे आने जाने वाले को माँ कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कह दो सच्चे दरबार की। यही पर वो है। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे और आरती करेंगे। अम्बे तो है जगदम्बे काली, दुर्गे खबर वाली, तेरे होने का है भारती हो मैया, हम सब को कार्य तेरी, भारती हो मैया, हम सब को कार्य तेरी, भारती तेरे भक्त जनों पर मैया, भीड़ पड़ी है भारी, बोलो भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी, बलशाली सखियों के साथी को आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पुत का पुत सुने पर ना माता करना, माता सुनी को माता सौते करना, बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली, जावे ना दर से खाली, सखियों के सखी को सारी हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत नाता पीना सोना मैया, नाता पीना सोना ओ मैया, नाता पीना सोना, वाली भक्तों को पार हो आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना, 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 बनाने
वाली सखियों के धर्म को सारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हमने तू है जगदम्बे वाली जगदम्बे कंबल वाली तेरे घूमने का है आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अब तुम घोड़ चढ़ जाओ मैं प्रसाद दे दूँ वहाँ बैठ जाओ।
केवल राम जी नारियल और धन थे हम क्या करेंगे बोलते हम कैसे सब लगता है अभी महाराज हमारे धागे ही नहीं कोई ले तो जुगाड़ी कर रहा इतनी है अब ज्यादा अंतर धाबक मत करो ज्यादा अंत लो भाई मैं माल जो कचो वैसे यार पल्ले माल इतनी मत करो एक एक माल ले लो ना ये काम की बननी है सब सब काम से अरे भाई डर जा जोड़े पठान लेने थे पहले मैं जोड़ा रह जाएगा माता इन सब चलने वाली वन सा आ गया करो यार देना ये बना दे दियो चल बढ़िया से बना देना ना दियो वही रे बोल से हमारा जोड़ा गया जोड़ा में दे दियो कहा ऐसे मत क्यों तुम्हारा जोड़ा गया ऐसे कैसे कर दिया मुझे
पन्नी ना दिया आ जाओ